हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ जो सबके लिए आई ओपनर साबित होगा। और ये बिल्कुल सच घटना है जो हमारे साथ हुआ है और हम चाहते हैं कि ये किसी और के साथ ना होए। यशोदा हॉस्पिटल, हाईटेक सिटी हैदराबाद, जो कि 5-स्टार हॉस्पिटल माना जाता है, और सच कहो इट इज़ द वर्स्ट हॉस्पिटल। मैं अपने मदर के लिए, मदर मेरी नी रिप्लेसमेंट के लिए गई, जो कि उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे, और नी रिप्लेसमेंट जो डॉक्टर है वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नितिश भान है, जो कि बहुत ही एक जाने माने वहाँ के अच्छे फेमस डॉक्टर माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ही नेग्लिजेंस दिखाया। उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे, 14-15 टेस्ट लिखे, जिसमें से उन्होंने कोई भी उस टेस्ट में इन्वेस्टिगेशन नहीं करी ऑपरेशन से पहले। बिना इन्वेस्टिगेशन करे ही उन्होंने पेशेंट को फिट लिख दिया, जैसे कि चेस्ट एक्सरेज में कोस पैचेस एंड ILD आया था। उसके बावजूद जो एक नॉर्मल डॉक्टर भी मिसफिट कर देता कि नहीं, ये पेशेंट ऑपरेशन के लिए नहीं रेडी है, लेकिन उन्होंने बिना देखे ही कोई भी रिपोर्ट्स को उन्होंने लिख दिया कि शी इज़ फिट फॉर द ऑपरेशन। उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने पोस्ट ऑपरेशन में ही पेशेंट के बिना एग्जामिन किए पेट का, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया जाता है, ये तो सबको ही पता रहता है कि इंटेस्टाइन नम हो जाती है, तो पहले वो गैस पास वगैरह होती है, उसको बिना ही जांचे उन्होंने उनको पूरा खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद ही उनको अनकम्फर्टेबल होने लगा, जैसे कि उनको पता है कि ओल्ड पेशेंट है तो थोड़ा सा ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ज़्यादा केयर तो छोड़िए, उन्होंने तो खाना ही खिला दिया उनको। खाना खिलाने के बाद जब वो अनकंफर्टेबल हुई तो उन्होंने कंप्लेंट किया। नेक्स्ट डे वो नॉर्मल वार्ड में चली गई। नॉर्मल वार्ड में जाते ही उन्होंने कंप्लेंट की, सिस्टर से की, सबसे की कि भाई मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है, मुझे एनीमा करा दो, मुझे यूरिन पास करा दो। किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जबकि सबको पता है कि भाई जब नॉर्मल वार्ड में जाते हैं तो पेशेंट को यूरिन पास किया जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, उनको कंफर्टेबल किया जाता है। इन लोगों ने खाना ही फिर खाना इनको पकड़ाते गए। मेरे पास तो पिक्चर भी है, वीडियो भी है, जो मैं आप लोगों को क्लियरली दिखा सकती हूँ कि उनका पेट कितना ज़्यादा बढ़ चुका था। ये यशोदा हॉस्पिटल की ये जो है, जहाँ मेरी मदर एडमिट हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक दिन में ही मेरे मदर को, 84 इयर्स ओल्ड मेरी मदर, उनको डिस्चार्ज कर दिया। वो बोलते रह गए कि भाई सिस्टर, मेरे को अनकम्फर्टेबल हो रहा है, क्यों इतने जल्दी डिस्चार्ज कर रहे हो। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, ये दवा दे देते हैं और आप जाइए और खाइए और हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं तो इन्हें तो मानना ही सबको, पेशेंट को पड़ेगा। और जब वो डिस्चार्ज हुई तो डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे, जबकि इतना बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है कि ये तो एक्स्ट्रा केयर करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये क्या एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं, और वो भी एक बुजुर्ग इंसान का, जबकि उसमें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है उनकी। वहाँ से जाके जैसे ही घर पहुँची तो 2 घंटे बाद उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई। जैसी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई, सांस में उनको दिक्कत हुई, तो मेरी सिस्टर उनको लेके दोबारा से यशोदा हॉस्पिटल आए, जो कि बहुत ही एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल, 5-स्टार हॉस्पिटल, जिसका इतना बड़ा नाम है और काम इतने छोटे हैं। और फिर लेके गए वहाँ पे, तो तुरंत ICU में एडमिट कर दिया गया। 2 दिन तक इतने मेडिकल स्पेशलिस्ट, जो बोलते हैं बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उसके बावजूद भी उनको 2 दिन लगा कि बचाने में कि उनको क्या बीमारी हो रही है। 2 दिन के बाद भी उनको कुछ समझ ना आते हुए उन्होंने पेशेंट के मुंह में वेंटिलेटर डाल दिया। वेंटिलेटर डालने से पहले उन्होंने जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, जो पेशेंट के, उनको ज़रूरत नहीं समझी प्रोस एंड कॉन्स बताने की कि वेंटिलेटर डालने में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। वेंटिलेटर डालने के बाद उन्होंने फिर एक नई कहानी बनाई कि नहीं, इस पेशेंट को तो गैंग्रीन हो गया है, जबकि हमने जो पेशेंट, जो मेरी मदर गई थी, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन थे। जब सारे टेस्ट हो गए, जब टेस्ट होते ऑपरेशन से पहले सब कुछ क्लियर था, तो अब उनको गैंग्रीन कहाँ से मिली। गैंग्रीन के बाद बोल के कि गैंग्रीन हो गया है तो अब ऑपरेशन करेंगे, मेजर ऑपरेशन करने के लिए। जब उन्होंने कहा कि भाई मेजर ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो पेशेंट मर भी सकता है, लेकिन आफ्टर दी अगर मेजर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो पेशेंट बच जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये बोल के हमें उन्होंने हमसे कंसेंट लेके ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन करने के बाद जब वो पेशेंट ठीक, 48 आवर्स का उन्होंने टाइम दिया था, उसके बाद वो सर्वाइव कर गया। उसके बाद उन्होंने एक नई कहानी सुनाई, वन आफ्टर दी अदर स्टोरी, अदर इन्होंने एक स्टोरीज पे स्टोरीज बनाते रहे। उसके बाद इन्होंने बोला कि अब तो इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद इन्होंने फिर
बोला अब ऑर्गन्स फेल होने लगे। ऑर्गन्स फेल होने के बाद उन्होंने बॉडी डेथ उन्होंने डिक्लेयर कर दी। और आईसीयू के जो इंचार्ज थे वो डॉक्टर राम एंड डॉक्टर विष्णु राजू हैं, जिन्होंने ये नई नई स्टोरीज बना बना के, और जैसे ही ये लोग जाते थे, जो कि ये लोग बोलते हैं कि ये लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, वेरी सॉरी टू से, ये लोग क्रूअल थे, बहुत हार्ड थे, बहुत ये लोग, और जो जो उनके डिपेंडेंट्स के साथ तो बहुत ही गंदी तरीके पेश आए, वो हम हैं, हमारे साथ इन्होंने बहुत ही गंदी तरीके से बोला और हमने कंप्लेन भी करी ऊपर हायर अथॉरिटी पे, बट किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। और इन्होंने हमसे मनी भी, हमने इनसे, इन्होंने हमसे 15 लाख, अगर सच पूछो तो ये लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो इतने बड़े बड़े बन गए, वेरी सॉरी टू से, मनी मिंटिंग हो गए, और ये लोग लोगों के साथ, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मुझे तो आपसे निवेदन है, जो हमने अपने मदर को खो दिया, हम नहीं चाहते कोई भी किसी को इतना बड़ा लॉस हो, चाहे कोई, और बुजुर्ग हो, बुजुर्ग तो सबसे पहले, जो बुढ़े लोग हैं सबसे बड़े सॉफ्ट टारगेट में आ रहे हैं आजकल के इन हॉस्पिटल्स जो लोगों के, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ एक मनी मनी दिखता है इनको, क्योंकि जहाँ जान है वहाँ माल है, तो इसी वजह से इन लोगों ने, जो बुढ़े लोग हैं इनको सबसे बड़ा टारगेट बनाया हुआ है कि अगर हम कुछ भी कर सकते हैं साथ, और क्योंकि जो इनकी जमा पूंजी है वो तो सारी लुटा ही देंगे, और फिर अगर डेथ भी हो जाती है तो कोई लोग बोलेगा नहीं, इनके ऊपर कोई फिंगर नहीं पॉइंट करेगा, क्योंकि वो तो उनकी उम्र ही हो गई मरने की। तो ये तो सब कुछ आजकल हो रहा है, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोगों की जान बचा सकें। धन्यवाद।